जो मेरे यहाँ दो ग्रीन हाउस है इसमें कोकम्बर की खेती करता हूँ, खीरे की। एक साल हो गया मेरे को पोली हाउस लगाए हुए हैं, इसमें दो दो फसल की है मैंने, तो लगभग 48 लाख रुपए के हो चुके हैं। इसमें लगभग 15-16 लाख का खर्चा आ गया मेरे, और बहुत ही अच्छे कोकम्बर की फसल होती है। कोकम्बर के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया और आया कि अपन एक्स्ट्रा मछली पालन कर ले, तो मैंने दो किस्म डाली है इसमें, राहू और कतला। 50,000 मछली डाली हुई है, अगर 70 रुपए के एवरेज भी बिकती है तो कम से कम 20 लाख का ये एक्स्ट्रा इनकम है। हमारे पास 22 बीघा जमीन थी, इसके मान गांव करते थे, सर्दियों की टेम का मान गांव करते, चना करते, सरसों करते, और बारिश की टेम का मान बाजरा, मक्का, ज्वार ये करते थे। तो कुल मिला के 22 बीघा जमीन के मान मैंने बहुत ही तो मेहनत करते, इनकम बहुत हल्की सी मिलती थी, बत्ती तो मजदूरी ध्यान की लग जाती थी। और फिर किसी ने सुना है, यार तुम तो एक ग्रीन हाउस लगा लो ने एक, तो मैंने सोचा किसी से संपर्क करके, भाई यार चलो यार कोई बात नहीं, तो आप हमारी तो थोड़ा सा बड़ा रह गया खेत, तो फिर इन्हें चार हिस्सा करा के और बच्चों का नाम करा रहे, मैंने तो चार फाइल लगा दी। और इसमें ये कमान ही हमारे तो 22 बीघा में जमीन में खेती होती थी, इनसे बढ़िया खेती इमी मिल जाए जी, एक पोलिया उसके मायने मिल जाए। तो गवर्नमेंट 70% सब्सिडी दे रही थी के मायने, जो अच्छी सी इनकम हो रही, निगा ठाठ से ज़्यादा मेहनत नहीं है और चौकी कमाई हो जाती है, और एक पाउंड बना रही। क्यों इससे ही तो जी बरसात बारिश आ जाती है तो इससे बढ़ जाता है, और नहीं तो बोरिंग का पानी की जरूरत पड़ती है। यो पौंड बरगोर पौंड से ही सोलर से तावड़ी होता ही दिन उगर 8 बजते ही चलो साहब खेत के मायने इन पोली हाउस के मायने पानी लगा देते, और साल भर चल जाता है ये पौंड पानी के लिए निकाराम शहर। अच्छा बारिश का पानी बहुत अच्छा रहता है।